शिव ही शंभुगन करहिं सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। कानन कुंडल पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागांबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। भोलेनाथ का उपटन किया गया, लेकिन हल्दी से नहीं, जले हुए मुर्दों की राख से, क्योंकि भोलेनाथ को मुर्दों से भी प्यार है। एक बार की बात है, भोले बाबा निकल रहे थे, किसी की शव यात्रा जा रही थी। लोग कहते हुए जा रहे थे, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। भोलेनाथ ने सुना, ये तो सब राम का नाम लेते जा रहे हैं, मुझे राम नाम से प्यार है। लेकिन जैसे ही लोगों ने उस मुर्दे को जलाया, तो लोगों ने राम राम सत्य कहना बंद कर दिया और सभी वहां से चले गए। भोलेनाथ ने कहा, अरे इन सब ने राम नाम सत्य कहना बंद कर दिया, इनसे तो अच्छा ये मुर्दा है जिसने राम नाम सुनकर यहाँ राम नाम की समाधि लगा दी। मुझे तो इनकी चिता से और इनकी भस्म से ही प्रेम है, इसलिए मैं इनकी भस्म को अपने शरीर पर धारण करूंगा। शिव जी का श्रृंगार कैसे हो रहा है? एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। तब विष्णु भगवान ने सब दिक् वालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि भगवान विष्णु के व्यंग वचन दिल्ली की नहीं छूटती। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलाया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। शिव जी की बारात कैसी है जरा देखिए, कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है और कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई पवित्र और कोई अपवित्र भेष धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हुए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर ये उनके मुख हैं, गणों के अनगिनत भेषों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगनियों की जनाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और
बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं, जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। आप सोच रहे होंगे कि भोलेनाथ इन प्रेतों को लेकर क्यों जा रहे हैं। उनके पीछे एक कथा है। जिस समय भगवान राम का विवाह हो रहा था, उस समय सभी विवाह में पधारे थे, सभी देवता, सभी गंधर्व इत्यादि। भोलेनाथ भी विवाह में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी भोले बाबा ने देखा कि कुछ लोग मार में बैठकर रो रहे हैं। शिव कृपा के धाम हैं और करुणा करने वाले हैं। भोलेनाथ ने उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? आज तो मेरे राम का विवाह हो रहा है और आप रो रहे हो? राम जी के विवाह में नहीं चल रहे? वो बोले, हमें कौन लेकर जाएगा? हम अमंगल हैं, हम अपशगुन हैं। दुनिया के घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो हमें कोई नहीं बुलाता। भोलेनाथ का हृदय करुणा से भर गया। तुरंत बोल पड़े, कोई बात नहीं राम, विवाह में मत जाना तुम, पर मेरे विवाह में तुम्हें पूरी छूट होगी। तुम सारे अमंगल अपशगुन आ जाना। इसीलिए आज सभी मौज मस्ती में शिव विवाह में झूमते हुए जा रहे हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो और भी सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन, सवारियों के हाथी घोड़े, रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ए बरात या यमराज की सेना, दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राग उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। ए नंगा, जटाधारी और भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यह बात कही। पार्वती की माता मैना के भीतर अहंकार था, आज भोलेनाथ इस अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा, आप दोनों मेरी आज्ञा से अलग अलग गिरिराज के द्वार पर पहुंचिए। शिव जी की आज्ञा मानकर भगवान विष्णु सबसे पहले हिमवान के द्वार पर पहुंचे। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने की थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब मैना ने विष्णु के अलौकिक रूप को देखा तो प्रसन्न होकर नारद जी से पूछा, हे नारद, क्या यही शिवा के शिव हैं? नारद जी बोले, नहीं, ये तो भगवान हैं, श्री हरि हैं। पार्वती के पति तो और भी अलौकिक हैं, उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। इस प्रकार एक एक देवता आ रहे हैं, मैना उनका परिचय पूछती हैं और नारद जी उनको शिव का सेवक बताते हैं। फिर उसी समय भगवान शिव अपने शिव गणों के साथ पधारे। सभी विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए हैं। कुछ के मुख ही नहीं हैं और कुछ के मुख ही मुख हैं। उनके बीच में भगवान शिव अपने नाम के साथ पधारे हैं। अब भोले बाबा से द्वार पर शगुन मांगा गया। भोले बाबा बोले, मैया, शगुन क्या होता है? किसी ने कहा कि आप अपनी
कोई प्रिय वस्तु को दान में दीजिए। भोले बाबा ने अपने गले से सर्प उतारा और उस स्त्री के हाथ पर रख दिया जो शगुन मांग रही थी। वो वहीं मूर्छित हो गई। उसके बाद जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जन्मवासा था वहाँ चले गए। कुछ डर के मारे मैना जी और कन्या पक्ष के सभी मूर्छित हो गए। जब मैना को होश आया है तो रोते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस भेष में अपनी बेटी का विवाह शिव से नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने पार्वती से कहा, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ में गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र से कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले बर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने। ये सब सुनकर पार्वती अपनी माँ से बोली, हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाशा को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। फिर ऐसा कहकर पार्वती शिव के पास पहुंच गई हैं और उन्होंने निवेदन किया, हे भोलेनाथ मुझे सभी रूप और सभी भेष में स्वीकार हो, लेकिन प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि उनका दामाद सुंदर हो। तभी वहां विष्णु जी आ जाते हैं और कहते हैं, पार्वती जी आप चिंता मत कीजिए, आज जो भोले बाबा का रूप बनेगा उसे देखकर सभी दंग रह जाएंगे, आप ये जिम्मेवारी मुझ पर छोड़िए। अब भगवान विष्णु ने भगवान शिव का सुंदर श्रृंगार किया और सुंदर वस्त्र पहनाए, करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला रूप बनाया है। भोले बाबा के इस रूप को आज भगवान विष्णु ने चंद्रशेखर नाम दिया है। बोलिए चंद्रशेखर शिव जी की। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाकर कहा और कहा कि हे मैना तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था, बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। एक बार मोहबस उन्होंने शंकर जी का कहना नहीं माना और भगवान राम की परीक्षा ली। भगवान शिव ने इनका त्याग कर दिया और इन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। फिर इन्होंने आपके घर पार्वती के रूप में जन्म लिया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं और आप ये भी चिंता न करो
कि भोले बाबा का रूप ऐसा है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी हैं। अब आप देखना भोले बाबा के नए रूप को, जिसे भगवान हरि ने स्वयं ही अपने हाथों से सजाया है। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विवाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना और हिमबान आनंद में मग्न हो गए और जैसे ही भगवान शिव के दिव्य चंद्रशेखर रूप का दर्शन किया है, मैना मैया तो देखते ही रह गई। उन्होंने अपने दामाद की शोभा देखी और आरती उताकर घर चली गईं। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, वहां की ज्योनात अर्थात भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों, विष्णु ब्रह्मा और सब जात के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। बेसंकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रस पान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही कहां से आ गए। पर्वतराज हिमांचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का परिग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, ये उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की, बोलिए माता पार्वती की।